गुरु गोबिंद सिंह जी दे अवतार दिहाड़े नूं समर्पित गुरुद्वारा पातशाही दसवीं जैतो रोड कोटकपुरा विखे जयकारा मूवमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन वल्लों करवाए गए टैलेंट सर्च 2021 प्रोग्राम बारे जानकारी दिंदे आं। जत्थेबंदी दे संस्थापक अमरदीप सिंह दीपा अते चेयरमैन गुरिंदर सिंह मेहंदी रत्ता ने दस्या कि बच्चियां नूं नैतिकता दा पाठ पढ़ाउण लई इह नौवां प्रोग्राम करवाया गया है। इस तो पहला 8 प्रोग्राम सफलता पूर्वक नेपड़े चाड़े जा चुके हैं। उन्होंने दस्या कि इस प्रोग्राम विच खालसाई ड्रेस मुकाबले अते प्रश्न उत्तरी मुकाबले समेत बच्चियां अते नौजवानों के होर वख-वख किस्म के दिलचस्प मुकाबले करवाए गए जिसकी हाजरीन ने भरपूर प्रशंसा की। जकारा मूवमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन पिछले लंबे समय तो बच्चियां ते नौजवानों नूं नैतिकता का पाठ पढ़ाने लई ते नशियां समेत होर समाजिक करीतियां खिलाफ अवेयर करने लई जागरूक करने लई यतनशील है। अज उन्हें गुरद्वारा पातशाही दसवीं जैतो रोड कोटकपुरा विखे जिहड़े मुकाबले करवाए जिहड़ा प्रोग्राम करवाया उहदे लई जकारा मूवमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक अमरदीप सिंह दीपा अपने नाल जुड़े ने। दीपा जिहड़ा तुसीं प्रोग्राम कराया उहदे बारे जानकारी दिओ। सो अज जिहड़ा साडा नौवां टैलेंट सर्च प्रोग्राम बच्चों का करवाया गया, इस तो पहले असीं 8 टैलेंट सर्च प्रोग्राम करवा चुके हैं जिस दे विच हुण तक जिहड़े बच्चे हैगे 4200 बच्चा साढ़े कोलों जिहड़ा भाग लै चुके और 1820 बच्चे है जिहड़े हुण तक भाग लैण दौरान सन्मानित हो चुके हैं और 432 जिहड़ियां समाज सेवी संस्था समाज के वास्ते सेवा कर रही हैं वो सन्मानित हो चुके हैं। अज जिहड़ा साडा प्रोग्राम सी धार्मिक गीत शब्द गायन मुकाबले तो अलावा जिहड़ा सभ्याचारक ड्रैस का मुकाबला अज रखा गया सी उन्हां दे विच वी अज फस्ट सैकेंड थर्ड तो इलावा बच्चों नूं असीं सर्टिफिकेट मैडल और कुछ नगद इनाम दे के सन्मानित किया जी। नहीं जिहड़ा इह प्रोग्राम है इह किन्नवां सी? सो अज नौवां टैलेंट सर्च सी सर, इस तो पहला 8 हो चुके, इस तो पहला 8 हो चुके ने सफलतापूर्वक। बिल्कुल जी। सो अज जिहड़ा हैगा बच्चों नूं नशा प्रति भी अवेयर कराया गया और प्रण कराया गया भी कदे किसी दे नाल असीं नशे करन वाले दे नाल अपना संघ नहीं करांगे सर। बहुत वधिया, इहनां दा इही कहना है कि जिहड़ा अज बच्चों ने प्रण किया कि असीं खुद भी नहीं नशा करांगे ते नशियां वाले दा साथ भी नहीं करांगे, समाजिक कुरीतियां दे खात्मे लई यतनशील रहांगे। ते सब तो वधिया कोटकपुरा तों गुरिंदर सिंह। मैं अपने ये मोढ़िया से गोडिया तो बहुत दुखी सी, मेरे लिए तो तुरना फिरना भी इन्ना औखा होया मैं दस भी नहीं सकता, पर जब तो मैं फिर रिलीफ मिले 2.5-3 महीने इस्तेमाल करने तो बाद गोडे भी ओके मोढ़े भी ओके। जी तुसी भी किसी इस तरह की बीमारी तो परेशान हो तो बेझिझक होकर इस इस्तेमाल करो, सिर्फ 2.5-3 महीने ये 125 बीमारियों तक का इलाज कर सकता है, फ्री रिलीफ हमेशा याद रखो। बस कुछ दिनों तो मैं बालों की बड़ी समस्या सी, मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए सी, मैनू मेरे दोस्त ने ऑयल फ्री रिलीफ वाले दस्या, मैं ये तेल 3 महीने लाना अपने सिर पर अप्लाई किया, ये बिल्कुल आयुर्वैदिक तेल है, यदा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो मेरे बाल जड़े गंजपन पैना शुरू हो गया से वो दोबारा आने लग गए, तो मैं तो बड़ा फायदा दिता इसने। जे तुहानू भी किसी इस तरह की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हो तो ये तेल लाना ना भुलो। कितना कितनी असं अपने बालों करके शर्म फील करते हैं, कितनी सोसाइटी बैठे हैं कि कोई मजाक ना कर रहा है, पर थैंक्स टू फ्री लीफ जिन्हें मेरा एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिसे लगाने मैं मार्केट से बड़ा ही कॉन्फिडेंट हाँ और ये मैं बड़ा फायदा होया। तो मैं सर्वाइकल की भी दिक्कत सी तो वह भी मैं बड़ा रिलीफ मिले, ये यूज़ करो तो मैं प्रैक्टिकल यूज़ कर रहा।